भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में तीसरा वनडे मैच खेला जाना है। तीसरे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली को जब पहले दो मैचों से रेस्ट दिया गया तो कई सारे सवाल उठ गए। बहुत सारे फैंस का कहना था भाई कि विराट कोहली को अगर 100 शतक लगाने हैं तो विराट कोहली को अब लगभग सारे मैच खेलने होंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी बात एबी डिविलियर्स ने कह दी। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के रिटायरमेंट पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। एबी डिविलियर्स का ये मानना है कि अगर भारत 2023 वर्ल्ड कप जीतता है तो इसके बाद हो सकता है विराट कोहली रिटायरमेंट ले लें। जी हाँ, एबी डिविलियर्स का कहना है कि भाई अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो विराट कोहली के लिए परफेक्ट टाइम होगा रिटायरमेंट अनाउंस करने के लिए ओडीआई क्रिकेट से। इसके बाद विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट से विराट कोहली के लिए परफेक्ट टाइम होगा रिटायरमेंट लेने के लिए। एबी डिविलियर्स का मानना है 2027 में जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाना है उसमें अभी काफी समय है, उस पर अभी फिलहाल कुछ कहना सही नहीं होगा। हालांकि उनका कहना है विराट कोहली काफी फिट है, वो बहुत अच्छी शेप में है, लेकिन 2027 अभी काफी दूर है। विराट कोहली अभी 34 साल के हैं, नवंबर में 35 के हो जाएंगे। एबी डिविलियर्स ने ऐसा इसलिए भी कहा है कि भाई विराट कोहली को काफी अच्छे से जानते हैं, साथ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आईपीएल में खेले हैं, दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, अक्सर उनकी कन्वर्सेशन होती रहती है। विराट कोहली ने भी बताया कि जब उनका बैड फॉर्म चल रहा था, बैड फेज में उन्होंने एबी डिविलियर्स से बात की, काफी मदद की थी डिविलियर्स ने उनकी, उनके फॉर्म को लेकर, उनकी टेक्निक को लेकर। अब जब इतनी बड़ी बात कह दी है डिविलियर्स ने तो इस पर वाकई बड़ी खबर बनना तो बनता है, क्योंकि भाई विराट कोहली अगर रिटायर होते हैं वर्ल्ड कप के बाद शायद अभी किसी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, शायद अभी इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। और अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है, विराट कोहली का रिटायर होना भारत की वर्ल्ड कप की जीत की खुशी के साथ फैंस के लिए एक मायूसी जरूर लेकर आएगा, क्योंकि विराट कोहली अपने 100 शतकों की तरफ तेजी से बढ़ चले हैं। एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने अपने 13,000 रन वनडे क्रिकेट में पूरे किए, पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार शतक भी लगाया। विराट कोहली को अभी भी 24 शतक लगाने पड़ेंगे अगर उन्हें सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों तक जाना है। इसके लिए विराट कोहली को भी तीनों ही फॉर्मेट खेलने पड़ेंगे। T20 क्रिकेट बहुत वक्त से विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो एक्टिव है और उनके बल्ले से शतक वेस्ट इंडीज में निकला। वनडे क्रिकेट में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक शानदार शतक लगाया। अब पूरा वर्ल्ड कप है, यहाँ पर कई सारे मैचेस खेल रहे हैं, इसमें विराट कोहली अगर शतक लगाते हैं तो 100 शतक के करीब जाएंगे। लेकिन अगर विराट कोहली सच में रिटायर हो जाते हैं, जैसा कि एबी डिविलियर्स का मानना है कि भाई परफेक्ट टाइम होगा अगर वो रिटायर हो जाते हैं, तो 100 शतक वाली जो बात है उसमें शायद काफी ज्यादा रुकावट देखने को मिले, क्योंकि अगर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली खेलेंगे, जो कि इतना ज्यादा नहीं होता है, फिर 100 शतकों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायर होने का सही समय है, या फिर विराट कोहली अभी 34 साल के हैं, काफी फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हें क्रिकेट और खेलते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं।